अस्सलामु अलैकुम। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड आप लोग अगर मेरी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग कीजिए। फ़ोटो वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली मुझे टैग कर देना कि यस आपने बनाए हो। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप मेरी रेसिपीज ट्राई करते हो या नहीं। ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं, मार्च स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च सीरीज़ में हम लोग सिर्फ स्टार्टर्स करेंगे, मतलब अभी जितने भी लाइव शोज हुए उसमें हम लोग सिर्फ स्टार्टर्स ही बनाएंगे। नो सेवरी, नथिंग सेवरी आइटम्स अभी नहीं बनाएंगे फ़िलहाल के लिए। इंशाल्लाह उसके बाद रमज़ान है तो रमज़ान में आई विल ट्राई, शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं उस वक्त कैसा होगा वो। लेकिन फ़िलहाल मार्च में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी स्टार्टर्स की सीरीज़, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड स्टार्टर्स की ही होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एकदम बेसिक सी रेसिपी बताने वाली हूँ चिकन कटलेट्स की। एकदम हर एक का अलग अलग तरीका होता है बनाने का, कि कोई किस तरह बनाता है, कोई किस तरह बनाता है। जो मैं बनाती हूँ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली इसको भी मैंने जस्ट न्यू ट्राई किया है तो रिज़ल्ट अच्छा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों के कुछ डाउट्स भी होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, लेकिन एंड में जब मैं आपको टाइम दूंगी तभी आप लोग नोट कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं मेरे पैन को अच्छे से हीट कर लूँगी। एक्चुअली वॉश किया हुआ है तो ड्राई होने तक मुझे खाली से हीट करना है, दैट्स इट। ठीक है, पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं फर्स्ट इसमें ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। मेरा ऑयल चला गया, अब मैं बस इसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पैन को इवनली मैं सब इधर स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी कम है तो उसको स्प्रेड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश्ड ग्रीन चिलीज, जो फ्रेश क्रश होती है वो। आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, आपको किस तरह स्पाइसीनेस को एडजस्ट करना है। मैं 1 स्पून डाल रही हूँ इसे, हम सॉटे करेंगे। फ्लेम को मैं अभी मीडियम कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है, पैन भी अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने अभी फ्लेम को मीडियम किया है। इसी के साथ मैं 1/2 मैगी क्यूब डाल रही हूँ। मैगी क्यूब आप लोगों को सबको पता है कौन सी होती है, अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह बता दूँगी। इसको हमें पूरा मेल्ट करना है। ठीक है, जब अच्छे से थोड़ा मेल्ट हो जाए फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम्स बॉईल किया हुआ चिकन। बॉईल करके मैंने इसके श्रेड निकाल दिए हैं, ये है 200 ग्राम्स। इसी के साथ मैं डालूंगी प्याज, जो मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज है मेरा, जिसको मैंने अच्छे से फाइनली चॉप किया है। हमारा प्याज चला गया। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ और मीडियम पर ही हम इसको अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, तब तक आप ये सुन लीजिए कि मैंने चिकन को किस तरह बॉईल किया।
बेसिकली जो बोनलेस होती है चिकन ब्रेस्ट, मैंने 200 ग्राम्स ब्रेस्ट पीस लिए विदाउट बोन, बोन के साथ नहीं, बिना बोन के, क्योंकि समटाइम्स बोन के साथ भी ब्रेस्ट मिलता है, तो मैंने विदाउट बोन लिया था। उसको मैंने 1/4 कप पानी के साथ, वन फोर्थ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर कुक कर लिया था अच्छे से, और मैंने उसे कंप्लीट वाटर उसका ड्राई होने तक बॉईल किया है। ऐसा सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई लोग ज़्यादा पानी में बॉईल करते हैं, बट मैं प्रिफर नहीं करती वैसा, मैं पूरा ड्राई वाटर को ड्राई होने तक, वाटर की क्वांटिटी कम रखती हूँ, पहले चिकन अच्छे से स्लो गैस पे कुक कर लेती हूँ, उसके बाद वाटर को पूरा ड्राई कर लेती हूँ। इस तरह मैंने बॉईल किया था चिकन को और उसके श्रेड कर लिए थे, एंड यस मैंने सॉल्ट भी डाला था, डोंट फॉरगेट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नेक्स्ट एक स्मॉल साइज की शिमला मिर्च, जिसे मैंने फाइन मतलब चॉप किया है, ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। फ्लेम मैंने पूरी लो रखी है, लो फ्लेम पर ही मैं इसको सॉटे करते रहूँगी, मैंने गैस हाई नहीं किया है अभी भी। ठीक है, अगर किसी को शिमला मिर्ची का फ्लेवर, मतलब यहाँ पर जो शिमला मिर्च होगी ना वो कंप्लीट कुक नहीं होगी, उसको सिर्फ थोड़ा सा उसको हम लोग खाली कुक कर रहे हैं, उसका क्रंच बाकी रहेगा, लेकिन अनियन जब मैंने डाली थी वो टाइम पे उसका क्रंच ज़्यादा बाकी नहीं है, वो सॉफ्ट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर शिमला मिर्ची को भी उसी तरह सॉफ्ट करना है ना, तो आप उसी के साथ, मतलब जब हमने प्याज डाला, अनियन डाला चॉप किया हुआ, उसी के साथ आप शिमला मिर्ची डाल देना, तो वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। बट प्लीज पानी मत डालिएगा। सीजनिंग के लिए मैं इसमें ऑलरेडी हमने मैगी क्यूब डाले थे हाफ, अब मैं इसमें हाफ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मेरी अभी भी कंप्लीट लो है, बंद नहीं है, लो फ्लेम पर मैं कर रही हूँ। मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड की हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जब चिकन बॉईल हुआ था उसमें सॉल्ट था, हमने जब मैगी क्यूब डाला तो मैगी क्यूब में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है इसमें भी ज़रा भी सॉल्ट। अब मैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स के अराउंड पोटैटोज ऐड करूंगी, बॉयल पोटैटोज। मैं इस तरह डाल रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप हाथ से भी उसको स्मैश कर सकते हो। पोटैटोज को मैंने सिंपली नमक और पानी में बॉयल किया था। अच्छा, ग्रेटर से करने से ना एक बेनिफिट यह हो जाता है ना कि वो कहीं पर भी लम्स वगैरह जैसा पार्टिकल्स नहीं बच जाते हैं।
दैट्स इट। मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। अभी इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। गैस मेरा अभी भी ऑन ही है, लो फ्लेम पर। मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं फैन फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। हमें इसे ठंडा होने देना है। मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके। स्प्रेड इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो सके। ठीक है, ये जब तक ठंडा हो रहा है इसकी हम लोग ब्रेडिंग के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ नॉर्मल, जिसको चाहिए वो एग भी ले सकते हैं, बट मैं एग नहीं ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर, यानी हमारा मैदा।
मैंने 3 स्पून लिया है मैदा। अब हमें इसमें अकॉर्डिंगली पानी ऐड करके इसकी अच्छी सी स्लरी बनानी है। इसमें हम लोग कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करेंगे। एकदम ज्यादा नहीं डालना, एकदम कम भी नहीं डालना है। काफी गाढ़ी है, अभी भी इसमें और पानी जाएगा। आपको चाहिए तो आप ये कंसिस्टेंसी भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि जो मैं बनाऊंगी वो काफी गाढ़ी पतली हो रही है, तो आप ये कंसिस्टेंसी वाली भी यूज कर सकते हो स्लरी। ये हमारी फाइनल हो चुकी है, इतनी हमें चाहिए, इससे ज्यादा गाढ़ी ना हो। अगर आपको ज्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप जैसे मैंने पहले रखा था वो कंसिस्टेंसी भी यूज कर सकते हो। अब मैं ले रही हूं हमारे ब्रेड क्रम्स। ओके, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली अच्छे से ठंडा हो चुका है क्योंकि मैंने अच्छे से उसको स्प्रेड करके रखा था। अब मैं इसके कबाब बना लूंगी, कटलेट्स बना लूंगी। कोई ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी आप चाहो तो लगा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बैटर है वो पूरा ड्राई है। देखिए मैं कुछ ऑयल वगैरह नहीं लगाई हूँ। साइज और शेप आपके ऊपर मैटर करता है, आपको जैसा साइज चाहिए, जैसा शेप चाहिए आप दे सकते हो। मैं पहले थोड़ी कबाब बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको कवर कैसे करना है। मैं फिलहाल आपको इतना ही बता देती हूँ, बैटर और भी बचा हुआ है, इसमें कम से कम आपके 10 से 12 अच्छे कटलेट बन जाएंगे।
अब इसको हम लोग क्रम कैसे करेंगे। मैंने ये मेरा फर्स्ट कटलेट लिया, इसको मैंने स्लरी में डिप किया। इसको मैं भी डाल रही हूँ हमारे क्रम्स में। That's it, ये हो गया। जहां आपको जरूरत है वहां आप शेप भी दे सकते हो सही करने के लिए। That's it. अभी हम लोग इसका फ्राइंग प्रोसेस करते हैं। ये हमारे कबाब इस तरह नजर आ रहे हैं कुछ। आप इसको चाहिए तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो। शैलो फ्राई में भी आपको थोड़ा ऑयल नॉर्मल शैलो फ्राई से ज्यादा लेना है ताकि आपके कबाब साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए, नहीं तो साइड से रॉ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाह, मैं थोड़ा डीप फ्राई कर रही हूँ, ज्यादा नहीं डीप रहेगा ये। अब ये पूरा अंदर से कुक हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एकदम से ही हाई फ्लेम पे करेंगे। इससे पहले हम लोग डालने के टाइम पे पहले हम अपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम पे डालेंगे, उसके बाद हम हमारे कटलेट्स को फ्राई करने डालेंगे। हाय अब्दुल्ला। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं सॉल्व कर लेती हूँ। एक मिनट, आप रेसिपी का नाम बताइए। अच्छा, ये है चिकन कटलेट। ठीक है, मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं मीडियम फ्लेम कर रही हूँ एंड अब मैं इसमें हमारे कटलेट्स डालूंगी। अगर आपको डाउट है तो कभी भी आप थोड़े से क्रम्स स्प्रिंकल करके देखिए,
अगर वो स्टार्ट हो रहे कुक होने के लिए तो वो आपका तेल बराबर है, नहीं हो रहे हैं तो नहीं, मेरा थोड़ा और ऑयल हॉट होने की ज़रूरत है। आप चेन्नई डिलीवर करते हो क्या? नहीं, मैं मुंबई बेस्ड हूँ तो मैं सिर्फ मुंबई में डिलीवर करती हूँ। आपने पर मैं नहीं बताया शेख नबू, आपका मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या क्वेश्चन किए है। आप फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज़। ठीक है, मेरा अभी ऑयल अच्छे से हॉट हो चुका है, मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे डाल दिया है। अब मैं इसमें हमारे कटलेट्स डाल दूंगी। मैंने डाला तब फ्लेम मैंने मीडियम रखा था, अब मैं फ्लेम को हाई कर रही हूँ। जब एक तरफ से आपके कटलेट्स अच्छे से कुक हो जाएंगे उसके बाद आपको टर्न करना है। मैदे के पर बना के स्टफ्ड करते हैं वो नहीं किया? नहीं, ये अलग है, देखिए सबका तरीका अलग होता है। आप जो बोल रहे हो मैदे के ऊपर स्टफ, मैं अभी समझ नहीं पाई हूँ, ये मैदे की स्टफिंग नहीं है। और जो आप बोल रहे हो वो शायद कोई और डिश होगी। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैंने से मैदे की रोटी या पैटी उसमें जो ये आता है स्ट्रिप आती है उसमें नहीं फिल किया, तो ये कबाब है। और जो आप बोल रहे होगे मे बी कोई और रेसिपी होगी या कोई और डिश होगी जिसकी आप बात कर रहे होगे। अब ये हाई फ्लेम पर ही कुक हो गए, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा चिकन कुक किया हुआ है, हमारा आलू कुक किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट सारी पकी हुई चीजें हैं। हमने हमारी वेजीज को भी थोड़ा अच्छे से सॉटे किया था, तो यहाँ जरूरत नहीं है ज्यादा कुक करने की, बस थोड़ा कलर चेंज होने तक हमें दम पकाना है। That's it. अब मैंने डिश आउट कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आप सुन सकते हैं तो ये नाइस क्रंची हो चुके हैं। इस पे अच्छा सा क्रंच आ चुका है, काफी गर्म है मैं। अगर आप लोग को आवाज आ रही होगी तो ये अच्छे क्रंची हो चुके हैं,
मैं सबको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जी मैं YouTube चैनल पे हूँ। मेरी YouTube आईडी, जो लिंक है YouTube चैनल का, वो लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। तो ये रही आज की हमारी डिश, चिकन कटलेट्स। होप आप सबको पसंद आई होगी। आपने क्रंच भी देखा इसका कैसा बन, अच्छा आया है वो। इफ यू कैन हियर दिस, क्या करना है। और रमजान के लिए फ्रोजन रेसिपी कब दोगे? फ्रोजन रेसिपी तो मैं श्योर नहीं बोल सकती, बिकॉज ऑलरेडी मेरा वर्कशॉप चल रहा है, रमजान स्पेशल कोर्स, जिसमें मैं जो रेसिपीज बताने वाली हूँ, वो रेसिपीज को किस तरह फ्रोज करना है, वो सारी डिटेलिंग उसमें होगी, वो वर्कशॉप पेड होगा। फ्रोजन रेसिपीज लाइव में नहीं आएगी, सॉरी। आज की रेसिपी में किसी को कोई डाउट है? ओके, होप सो। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट है, तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज हमने बनाया है चिकन कटलेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्राई कीजिए, और जब भी आप बनाएं तो प्लीज़ मुझे टैग करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।